हेलो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने किया था फॉरवर्ड डिफरेंसेस ठीक है आज हम क्या करेंगे बैकवर्ड डिफरेंसेस जैसा कि पहले बता दिया था फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है बैकवर्ड डिफरेंस क्या होता है अब हम क्या निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बैकवर्ड डिफरेंस सेकेंड ऑर्डर के बैकवर्ड डिफ्रेंसेज निकालो चलो हमने मान लिया क्या एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच ए प्लस टू एच ये आपके क्या हैं आर्ग्यूमेंट्स ठीक है और इसके को जब आप बैकवर्ड डिफरेंस लोगे ना भाई तो ए के साथ ए माइनस एच भी क्या लोगे आप आर्ग्यूमेंट लोगे ठीक है अब उसके बाद आपके इसके कोरस्पोंडिंग जो एंट्रीज आएंगी वो क्या आएंगी वाई इज इक्वल टू वाई ए माइनस एच वाई ए वाई ए प्लस एच अप टू सो ओन ये आपकी क्या हो जाएंगी एंट्रीज ठीक है तो बैकवर्ड डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया था पिछले वीडियो में हमने बताया था बैकवर्ड के लिए सबसे पहले तो क्या नोटेशन नोटेशन क्या हो जाएगी भाई फॉरवर्ड का जो ऑपरेटर था उसका उल्टा और वाई ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हो तो क्या आएगा इसमें से पीछे वाले को सब करोगे कहने का मतलब क्या वाई ए माइनस वाई ए माइनस एच ये आपका क्या आ गया फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ठीक है इसी तरह से अगर आप डेल ऑफ वाई ए प्लस एच निकालोगे वो क्या आ जाएगा वाई ए प्लस एच माइनस वाई ए सिमिलरली आप डेल वाई ए प्लस टू एच निकालोगे वो कितना आ जाएगा आपका वाई ए प्लस टू एच माइनस वाई ए प्लस एच ये तो आपके क्या हैं भाई फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस ठीक है अगर आप सेकंड सॉरी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस इसी तरह से अगर आप फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा डेल स्क्वेयर वाई ए कितना आएगा भाई इसमें से इसको सब करोगे या इसमें से इसको सब करोगे देखो क्योंकि बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा इसमें से क्या करोगे इसको करोगे। कहने का मतलब क्या डेल वाई ए माइनस डेल वाई ए प्लस एच सॉरी ए माइनस एच क्या आप इसको ये लिख सकते हो क्या नहीं देखो आपके पास डेल वाई ए तो है लेकिन डेल ए माइनस एच नहीं है इसका मतलब आप ये वाली एंट्री नहीं निकाल सकती तो आप क्या निकालोगे डेल स्क्र वाई ए प्लस एच और इसकी वैल्यू क्या आएगी इसमें से क्या करो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कितनी आ जाएगी भाई ये आएगी आपकी डेल वाई ए प्लस एच माइनस डेल वाई ए ये आपके क्या आ जाएंगे इसी तरह से सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस इसी तरह अगर आप थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा भाई ये आएगा डेल क्यूब और यहाँ पे क्या आएगा आपका वाई ए प्लस टू एच आएगा आपकी बार तो वो कितना आ जाएगा इसी तरह से इसपे से सबट्रैक्ट करो जैसे हमने फॉरवर्ड में किया था तो इन सभी को आप क्या बोल दोगे बैकवर्ड डिफरेंसेस ठीक है जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंसेस की टेबल फॉर्म की थी इसी तरह से हम क्या करेंगे बैकवर्ड डिफरेंसेस की भी टेबल फॉर्म करेंगे कैसे फॉर्म करेंगे देखो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या लिखोगे एंट्रीज ये आपका क्या आ जाएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ये क्या आएगा आपका सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा आपका थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस यहाँ पे आपका क्या आएगा फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस अब देखो आर्ग्यूमेंट आपने क्या मान लिए जीरो वन टू थ्री इसके कोरस्पोंडिंग जो आपकी एंट्रीज हैं वो आपने क्या मान ली वाई नोट वाई वन वाई टू वाई थ्री अब भाई डेल वाई निकालोगे कहने का मतलब फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस तो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आपका क्या आएगा डेल वाई वन डेल वाई वन इज इक्वल टू वाई वन में से क्या सब्टैक्ट करोगे वाई नोट वाई वन माइनस वाई नोट इन दोनों का डिफरेंस अब क्या करोगे इन दोनों का डिफरेंस तो वो क्या आ जाएगा आपका डेल वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका डेल वाई थ्री इज इक्वल टू वाई थ्री माइनस Y, तो ये तो आपके आगे क्या फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस अब यहां पे क्या निकालोगे Second backward differences. Second backward differences क्या आएगा? इन इन दोनों का subtraction. देखो, इन दोनों का का देखो करोगे. इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे और बात किसकी कर रहे हो आप बैकवर्ड की तो लगाओ बैकवर्ड का तो आपने लगाया सिंबल तो Y के साथ सफिक्स क्या लगेगा बच्चों? Y2 लगेगा क्योंकि आप बैकवर्ड चल रहे हो इसमें से इसको सब्टैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका

इन दोनों का जब आप सब्टैक्शन करोगे तो वो क्या आएगा आपका बैकवर्ड सिंबल और y3 थ्री यहाँ पे कोफिशेंट नीचे वाला आएगा y3 थ्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई डेल स्केयर वाई थ्री माइनस डेल स्केयर वाई टू तो ये आपकी क्या हो गई बैकवर्ड डिफरेंस टेबल ठीक है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में जो आपके लीडिंग डिफरेंसेस होंगे भाई वो क्या होंगे आपके ये वाले हो जाएंगे लीडिंग डिफरेंसेस ठीक है फॉरवर्ड में तो क्या होते थे ये वाले और बैकवर्ड में क्या हो जाएंगे आपके नीचे वाले तो ये आपकी क्या है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल अब हम करते हैं एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख लो ठीक है एग्जाम्पल थर्ड की स्टेटमेंट देखो भाई एग्जाम्पल थर्ड में आपको क्या निकालना है बाई कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल फाइंड सेवंथ एंड एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज इस सीरीज की सेवन्थ और एट्थ टर्म बतानी है आपको देखो इसमें कितनी टर्म है आपकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन्थ और एट्थ टर्म नहीं दे रखी ये आपको क्या करनी है फाइंड आउट करनी है और आपको क्या दे रखी हैं छः टर्म दे रखी हैं बना दो डिफरेंस टेबल कैसे बनाओगी लिखो सेवन्थ और एथ टर्म बतानी है ना और ये क्या दे रखी है आपको छः टर्म तो लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे सबसे पहले सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ठीक है आर्ग्यूमेंट क्या क्या होंगे भैया आपकी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म सेवंथ टर्म एथ क्योंकि आपको सेवन्थ और एट्थ टर्म बतानी है इसलिए आप कहाँ तक लोगे आर्गूमेंट सेवंथ और एट्थ टर्म तक इनके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी एंट्रीज दे रखी हैं वो कितनी कितनी दे रखी हैं भाई एफ़ की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको जीरो जीरो टू सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी ही बात है ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है तो इनको क्या करोगी मान के चलोगे आपने मान लिया इसकी वैल्यू ए और इसकी वैल्यू आपने क्या मान ली बी अब देखो निकालो इनका डिफरेंस पहले क्या निकालोगे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस में क्या करते हो भैया आप आगे वाले में से इसको घटाओगे इसमें से क्या करोगे इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपका देखो उ, ये आएगा आपका जीरो माइनस जीरो जीरो इन दोनों का सब इसमें से इसको सब करोगे टू ठीक है यहाँ पे इसमें से इसको सब करोगे तो कितना आएगा फोर सिमिलरली दिस माइनस दिस कितना आएगा सिक्स इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा एट इन दोनों का जब डिफरेंस करोगे तो a माइनस ट्वेंटी याद रखो भाई फॉरवर्ड निकाल रहे हो फॉरवर्ड निकालोगे तो क्या करोगे इसमें से इसको सब्टैक्ट तो कितना आएगा a माइनस ट्वेंटी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा b माइनस ए ये तो आपकी क्या बन गई फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस सिमिलरली अगर आप सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालोगे वो क्या आएगा कर दो इन दोनों का सबटैक्शन कितना आएगा टू ये भी कितना आएगा टू ये भी कितना आएगा टू ये भी कितना आएगा टू इन दोनों का जो सबटैक्शन आएगा वो क्या आएगा बच्चों ए माइनस ट्वेंटी एट इन दोनों का जो सबटैक्शन आएगा वो क्या आएगा बी माइनस टू ए प्लस ट्वेंटी ठीक है अब निकालो आप थर्ड डिफरेंस थर्ड डिफरेंस क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस जीरो इन दोनों का डिफरेंस जीरो इन दोनों का डिफरेंस जीरो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा ए माइनस थर्टी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बी माइनस थ्री ए प्लस फोर्टी एट ठीक है ये बन गई आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल अब देखो जो आपका सेकंड वाला फॉरवर्ड डिफरेंस है उसमें सारी एंट्रीज क्या है आपकी कॉन्स्टेंट तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे कॉन्स्टेंट सिमिलरली आपका जो थर्ड डिफरेंस वाली जो कॉलम है उसमें क्या है सारी एंट्रीज आपकी जीरो अगर ये जीरो है तो सी बात है ये भी क्या होगी आपकी जीरो तो ए माइनस थर्टी कितना हो जाएगा आपका जीरो और ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से थर्टी अब ये भी जीरो तो ये भी क्या होगा जीरो होगा कहने का मतलब बी माइनस थ्री ए प्लस फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू आपने निकाल रखी है यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दो कितनी आएगी फोर्टी टू तो ये आपकी क्या आ गई भाई सेवंथ और एट्थ एंट्री आपने निकाल दी इस के ऊपर जितने बेस क्वेश्चन हैं जितने एग्जाम्पल हैं उनको ट्राई करो ठीक है